दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह किसी भी मोबिलिंग या जैस नंबर की कॉल हिस्ट्री, एसएमएस हिस्ट्री और इसके साथ साथ आप डाटा हिस्ट्री किस तरह चेक कर सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, ये वो भी सिर्फ एक कोड मिलाने से। मेरे प्यारे दोस्तों, इसके लिए आपको इंटरनेट की भी ज़रूरत नहीं होगी। आप बिना इंटरनेट कनेक्शन के किसी भी मोबिलिंग नंबर की कॉल हिस्ट्री और एसएमएस हिस्ट्री चेक कर सकते हैं। एंड इसके लिए आपको किसी एंड्रॉयड फ़ोन की भी ज़रूरत नहीं होगी। आप एक सिंपल बटनों वाले फ़ोन से भी किसी भी नंबर की कॉल एंड एसएमएस हिस्ट्री चेक कर सकते हैं। जो मैं आपको तरीका बताने वाला हूँ, ये कोई हैकिंग मेथड नहीं है। मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ, ये कोई हैकिंग मेथड नहीं है। ये जहाज वालों ने ऑफिशियली कोड बताया है, जिसकी मदद से आप किसी भी पर्सन की कॉल हिस्ट्री और एसएमएस हिस्ट्री पिछले 10 दिनों की चेक कर सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप किसी पर्सन पर नज़र रखना चाहते हैं कि वो किस किस से कॉल पर बात करता है, किस किस को एसएमएस करता है, तो वो सारी की सारी डिटेल आप उसकी निकाल सकते हैं सिर्फ और सिर्फ एक कोड के ज़रिए। तो आज इस वीडियो में मैं आपको ये कोड बताने वाला हूँ। अगर आप भी जानना चाहते हैं, वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखते रहे। वीडियो की तरफ मूव करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। एंड अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इसी तरह की मैं जो भी न्यू वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। इसके लिए आपको अपने फ़ोन डायलर को ओपन करना है। जब आप अपने फ़ोन डायलर को ओपन करेंगे तो आपने जस्ट ये कोड डायल करना है *311 एंड इसके बाद *111#। जस्ट आपको ये डायल करना है। जब आप डायल करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह के ऑप्शंस आएंगे। तो यहाँ पर आप सेकंड नंबर पर माई सर्विसेज पर 2 लिख कर सेंड कर देना है। जब आप सेंड करेंगे तो फिर आपके पास एक और पेज आ जाएगा और यहाँ पर भी आपको बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉल एंड एसएमएस हिस्ट्री, तो आपने अगेन 2 लिख कर सेंड कर देना है। जब आप सेंड करेंगे तो अगेन आपके पास एक और पेज आ जाएगा। यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि आपको जो करंट हिस्ट्री चाहिए या पिछले 10 दिन की चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया था, पिछले 10 दिन तक की हिस्ट्री चेक कर सकते हैं। अगर आपको करंट हिस्ट्री चाहिए तो आपने 1 लिख कर सेंड करना है। अगर आपको पिछले 10 दिन की हिस्ट्री चाहिए तो आपने 2 लिख के सेंड करना है। जब आप 2 लिख कर सेंड करेंगे तो यहाँ पर आपको डेट मेंशन करनी होगी, जिस दिन की आप डेटा हिस्ट्री निकालना चाहते हैं। जब आप डेट मेंशन करेंगे तो आपको उस दिन की तमाम कॉल हिस्ट्री एंड एसएमएस हिस्ट्री आपको एसएमएस के जरिए मिल जाएगी। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको हमारी आज की वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। एंड अगेन, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। आज की छोटी सी वीडियो में इतना ही। मिलेंगे इसी तरह के इंटरेस्टिंग एंड यूजफुल वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़।